एक्सेल पे दे दीजिए, उन्होंने कहा हम इसको नहीं दे सकते आपको। हमने कहा साहब पूरी लिस्ट एक्सेल शीट में आप सारी पार्टी को दे दीजिए, वो भी उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा आप एक्सेल शीट में सारी लिस्ट कंसोलिडेटेड लिस्ट वेबसाइट पे डाल दीजिए, वो भी मना कर दिया। उन्होंने वेबसाइट पे हर विधानसभा की बूथ वाइज लिस्ट 25-25 के सेट में डाली हुई है। तो हमने ये 5-6 विधानसभाओं का कैलकुलेट किया निकाल के, पटपड़गंज में 24,100, कौंटली में 27,500, विश्वासनगर में 14,000, लक्ष्मीनगर में 22,000, गांधीनगर में 13,000, ये वोट डिलीट किए गए। अगर इसको एवरेज में थोड़ा लोअर एंड पे भी लगाऊं, 15,000 वोट हर विधानसभा से मान लीजिए अगर डिलीट किए गए हैं, तो 70 विधानसभाओं में कुल मिला के 10.5 लाख वोट हो जाते, जो कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था उससे टैली हो रहा है। हालांकि अभी हो सकता है और विधानसभाओं में कम हो ज़्यादा हो, लेकिन 20,000 का एवरेज भी हो सकता है। वो 20,000 का अगर एवरेज होगा तो 14 लाख वोट डिलीट किए, पर मान लीजिए 15,000 वोट एवरेज अगर हर विधानसभा में डिलीट किए गए तो 10.5 लाख वोट तो डिलीट हो गए ना। आपने ये वोट कैसे डिलीट किए? मैंने पटपड़गंज विधानसभा के कुछ बूथ का रैंडम उठा के डेटा अभी सुबह अपने कुछ वॉलंटियर्स को कहा कि आप एक बार देख लीजिए इस डेटा को, क्योंकि उसकी सॉर्टिंग करना भी इतना आसान नहीं था, पर क्योंकि बूथ का हमारा वॉलंटियर आसपास के लोगों को जानता है और अपने सपोर्टर को तो निश्चित रूप से जानता है, तो हमने कुछ अपने सपोर्टर को ऐसे दिया, पिछले एक घंटे में उन्होंने एक्सरसाइज करके दी है, वहीं एकदम लोकल उनको फोन पे भेज दिया था इसका व्हाट्सएप। 3 बूथ पे मैंने कराया था, पटपड़गंज विधानसभा में 160 नंबर बूथ, 83 नंबर बूथ 83 और 1-8 नंबर बूथ, इस पर मैंने कराया। मैं आपके सामने ये शीट हम आपको दे देंगे। 160 नंबर बूथ पे पटपड़गंज में नूर मोहम्मद साहब रहते हैं। जकारिया खान रहते हैं, सन ऑफ नूर मोहम्मद। इनका एड्रेस है जवाहर मोहल्ले में, जो हमारी झुग्गियाँ हैं, स्लम्स हैं वहाँ पे, B372। ये आपको शीट दे देंगे पूरी। इनका वोट डिलीट किया गया, उस पर लिखा गया शिफ्टेड, जबकि अभी मेरे वॉलंटियर ने एक घंटे पहले उनके घर जाके चेक किया, वो वहीं रहते हैं। वो शिफ्टेड कैसे लिख दिया गया? इसी तरह से 8 नंबर बूथ पे स्वाति रहती हैं, इनके फादर हैं विलास मेहरा साहब, एकता गार्डन अपार्टमेंट है, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। मैं एड्रेस नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के यहाँ, क्योंकि फीमेल का नाम है। आप लोग उनको शीट दे देंगे, आप सेंसिटिव तरीके से इसको इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये एकता गार्डन में रहती हैं, उनका वोट डिलीट कर दिया गया शिफ्टेड दिखा के, जबकि अभी मैंने पता करवाया वो वहाँ रहती हैं, लेकिन उनका वोट शिफ्टेड दिखा के डिलीट कर दिया गया। चंद्र विहार कॉलोनी है हमारे यहाँ, 83 बूथ नंबर पे 5 एड्रेसेस हैं। रामवर्धन सिंह रहते हैं, इनके फादर है जुगल सिंह, वहीं रहते हैं, शिफ्टेड दिखा के डिलीट कर दिया गया। 83 बूथ नंबर पे मोहम्मद नौशाद रहते हैं, सन ऑफ मोहम्मद मुश्ताक, उनका वोट डिलीट कर दिया गया शिफ्टेड दिखा के, जबकि वो वहीं रह रहे हैं। ये हमने वेरिफिकेशन करवा लिया और मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। 83 बूथ नंबर पे पूजा गुप्ता वाइफ ऑफ गोपाल गुप्ता चंद्र विहार में ही रहती हैं, वो वहीं रह रही हैं, लेकिन उनका शिफ्टेड दिखा के वोट डिलीट कर दिया गया। इसी तरह से 83 बूथ नंबर पे धर्मेंद्र सन ऑफ श्रीनिवास राजपूत चंद्र विहार में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन शिफ्टेड दिखा के वोट डिलीट कर दिया गया। सुनील कुमार सन ऑफ श्रीनिवास राजपूत, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। इसी तरह से अलग एकता गार्डन में एक और है एफशान गुप्ता सन ऑफ सुभाष गुप्ता, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। धर्मेश कुमार सन ऑफ राजवीर सिंह ये वेस्ट विनोद नगर में रहते हैं, 35 नंबर बूथ पे वहीं रहते हैं, उनका वोट डिलीट कर दिया गया। ये तो बहुत रैंडम सा है कि हमारा वॉलंटियर ने अपनी लिस्ट देखी, उसने कहा इसको तो मैं जानता हूँ, उनका वेरिफिकेशन कर लिया उसने। ये आपको 9 लोगों की लिस्ट में दे रहा हूँ, 9 लोगों की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, आदमी वहीं रह रहा है, हिला नहीं है वहाँ से, लेकिन उसने शिफ्टेड दिखा के उनका वोट डिलीट कर दिया और जानबूझ के डिलीट किए गए हैं। ये तो रैंडम सा एक घंटे की एक्सरसाइज का सर्वे है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में चुनाव और वोटिंग राइट
वोट डालना किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट है। चुनाव आयोग के इस षड्यंत्र ने इन लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। क्या आप संवैधानिक अधिकार को, लोकतंत्र के मूल अधिकार को इस तरह से छीन सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी को जितवाना है? चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बन के रह गया है क्या? आज क्यों डिलीट किए जा रहे हैं नाम? क्या वजह है इनकी कि आदमी को शिफ्टेड दिखा के डिलीट किया जा रहा है जबकि वो आदमी वहीं रह रहा है? तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग, जिस मैंने पहले भी कहा था एक किसी में, जिस चुनाव आयोग को टी एन शेषन जैसी शख्सियतें मुख्य चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, उन्होंने वहाँ पहुँचाया, पूरे देश में पूरी दुनिया में साख है इसकी, एस वाई कुरैशी साहब जैसे लोग बैठ चुके हैं, इस चुनाव आयोग की साख को बीजेपी के लिए बीजेपी की बी टीम ना बनाए चुनाव आयोग साहब। अगर यहाँ गड़बड़ हुई है तो इसकी जांच कराएं, जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके खिलाफ एक्शन लें, और जो चुनाव आयोग जिस काम के लिए बनाए, चुनाव आयोग का काम है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को, हर वोटर नागरिक को उसका वोट देने का अधिकार दिलवाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो बात बाद में करेंगे, आप तो वोट कटवा रहे हो, सबके वोट बनवाए जाएं। वोट जो कटवाए गए हैं ये कैसे वोट डालेंगे लोग? फिर तो आपने डिसाइड कर दिया इनका फंडामेंटल राइट ही नहीं है। और हम जब आपका आके कहते हैं, आप कहते हैं हम आपको लिस्ट नहीं देंगे। ये तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद में सारा डेटा निकाला है, 5-7, ये जो 24,000 वोट डिलीट किए हैं पटपड़गंज विधानसभा में, कोई तो रैंडम तो होगा, इसमें से 21,500 वोट पे लिखा हुआ है शिफ्टेड, ये शिफ्टेड का ये सच है। 24 कोंडली में 27,500, विश्वास नगर में 14,000, लक्ष्मी नगर में 22,000, गांधी नगर में 13,000, इन सब नागरिकों का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ना कि उनके चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि उस पर बीजेपी के कहने पर उस पर डाका डाले। तो मैं अर्ज करूँगा चुनाव आयोग से भी कि इसको सीरियसली ले, और जिन लोगों को शिफ्ट करके आपके नीचे के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बीजेपी के चक्कर में ऐसे छांट छांट के जिनके वोट कटवाए हैं, उनके लिए चाहे आपको दोबारा मुहिम चलानी पड़े, उनके फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित करने के लिए जो भी एक्शन लेना है लें। हम लोग भी इसकी और बहुत नेटिग्रिटी में पूरा वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कराएंगे, एक एक वोटर के पास में, एक एक उसके पास में, तो आपके सामने ये रखना। जी, इसमें दो छोटे इसी से सवाल है। कल आप मुख्यमंत्री खुद गए, चुनाव आयोग ने जो कुछ भी जवाब आपको दिया या जो बातचीत हुई, क्या आप संतुष्ट हैं? और अगर नहीं है तो क्या आप लोग इस पूरी प्रक्रिया में कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं? देखिए, आप लोग संतुष्ट हैं? जो मोटे तौर पर उनसे बात हुई, हमने उनसे कहा साहब सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, उन्होंने हमें मना कर दिया। हमने उनसे कहा आप अपडेटेड लिस्ट डाल दीजिए, उससे वो सहमत हो गए। अपडेटेड लिस्ट अगर वो कुछ दिन में डाल देते हैं, अच्छी बात है, हम उसको ले लेंगे। अभी जो लिस्ट उन्होंने डाली है वो अपडेटेड है कि नहीं है वो बता देंगे उसमें, कि कब तक की है। अगर वो अपडेटेड लिस्ट डाल देते हैं, हम तो फिर भी गुजारिश करेंगे कि ये 25-25 नाम, अगर आपने मेरी विधानसभा में 24,100 नाम डिलीट किए हैं, अब मुझे 25-25-25 करके उनको सबको उतने पेजेस पे जाना पड़ रहा है, उसके बाद में उसकी एक पूरी लिस्ट बना पा रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और अगर पूरी दिल्ली की एक्सरसाइज करनी है, जबकि आपके पास में तो पहले से ही है, हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए, आप किसी पार्टी को फेवर मत करिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में उतर के करना चाहती है, और वो अल्टीमेटली आपको सूचना देंगी तो आप ही की मदद होगी। तो मैं उसका कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ उनसे हमने कही थी कि साहब ये जिनके नाम कटे हैं, 9 तो उस दिन भी दिए थे हमने, 9 इसमें भी निकल के आ रहे हैं, ये तो गलत कटे हैं, इनको मौका दीजिए। अब आपके पास कोई कानून नहीं है कि आप दोबारा से इनको रिस्टोर कर सकें इस वोट डिलीट को, आपके पास में सिर्फ एक ही प्रोविजन है कि आप फॉर्म 6 दोबारा भरवाइए। लेकिन अगर आज की तारीख में आप इनसे फॉर्म 6 भरवाएंगे तो इनका जो वोट है वो चुनाव से 1 महीने पहले बनके तैयार होगा, क्योंकि अब 2 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे आप। तो चाहे विशेष एक्सरसाइज करानी पड़े, विशेष अभियान 2 दिन का चलाना पड़े, जिन लोगों के वोट कटे हैं अगर वो अपना बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा दें उनको। सही दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों के वोट हैं, और सीएम ने कल ट्वीट किया कि कांग्रेस सोई हुई है, जाग जाए अपनी नींद से। कांग्रेस का ये कहना है कि इस मामले में वो ऑलरेडी कोर्ट में है, तो आपको लगता है कि आपको भी फाइनली कोर्ट का रास्ता तैयार करना पड़ सकता है? अभी देखेंगे, पहले हम नीचे पूरा फील्ड अपना फील्ड एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो वोटर्स का राइट जा रहा है। बात ये नहीं है कि हमारा वोटर है किसी और पार्टी का वोटर है, बात ये है कि उसका फंडामेंटल राइट है कि वो वोट दे सके। अगर जानबूझ के किसी षड्यंत्र के तहत बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग अगर उनका वोटिंग राइट कटवा रहा है तो ये तो अपनी ड्यूटी से ही कर रहा है। लेकिन सर, जो डिटेल आपने निकाली अपनी विधानसभा आसपास की, उसको लेकर भी दोबारा का चुनाव आयोग में जाएंगे कि दिखाएंगे किस तरीके की? देंगे, उनको कंप्लेंट भी देंगे, उनको एकदम वो देंगे, कंप्लेंट देंगे कि देखो ये गड़बड़ रखा है आपको। दिल्ली चुनाव आयोग से भी बात हुई है अभी तक, क्योंकि
वैष्णव तो मिले आए थे, अब इन्होंने कुछ किया है, कुछ बताया नहीं, ये सारी एक्सरसाइज तो रूल्स होता है, डिलीशन का वहीं से होता है।